तैयार हो रहे हो, तो खुद नहीं बता रहे हो। एरोप्लेन से घूमने जाओगे? कहाँ पे? वहाँ पे टाइगर भी होगा। टाइगर भी होगा? कहाँ पे टाइगर होगा? वहाँ पे एनिमल्स होंगे। तो कहाँ जाओगे? जू जा रहे हो क्या? आप भी चलो। मैं भी जाऊँ के चलो। और कौन कौन जाएगा? सब सब लोग। कौन? मैं, एक मम्मा, एक मम्मी, एक निक्की चाचा, एक पापा, एक दादी और एक बिका चाचा, एक बाबा और एक सोम चाचा। अच्छा, कुछ लास्ट में जाएंगे? फिर एक दादी। रात को आ जाएंगे? ये भी पता है कि रात को आ जाएंगे, इसलिए तैयार होने को। देखो जरा आपका ड्रेस कैसा लग रहा है। ये मम्मा का स्टाइल है, अच्छा लग रहा है ना। कल मैंने फर्स्ट ट्राई पे देखा ऐसा ड्रेस। धनु, आपने पापा को पूछी क्यों नहीं लिया? गाइस देखिए, 15-20 मिनट से मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ, ठीक है? पता है क्यों? क्योंकि ये जिद पे बिल्कुल अड़ गए कि मुझे बालकनी पे ले चलो। ये इस पे चढ़ना भी कितना वो है, इसलिए मुझे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे थोड़ा सा खेलूंगा। बाबू अब आ जाओ इधर, ठीक है? कि मुझे बालकनी से बाहर डॉगी को देखना है, बाहर देखना है। इतने जिद पे अड़ गए कि मुझे लेके आना पड़ा। अब बीप 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 करके खेल रहे। बीप 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 बीप। चलो अब आ जाओ मम्मा के पास। तो मैंने सोचा कि हाँ, सो गाइस अभी आप लोग आवाज आई ना कि मैं तेज चिल्लाई। हाँ, पतिदेव जी बुला रहे थे, उनको नींद आ रही थी, बाबू डिस्टर्ब करते बीप 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 करके। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई और अब यहाँ पे है धनु को बहुत सारे टॉयज। अब धनु यहाँ पे खेलेंगे, है ना? और मम्मा अपना काम कर लेंगी। ओके, यहाँ पे बैठो। मैं यहाँ पे थोड़ा लेट जाऊँ? लेट जाओ, ठीक है? और थोड़ा ब्लैंकेट ओढ़ लेती हूँ, है ना? आप खेलो, लेग क्रॉस करो पहले। क्रॉस योर लेग, वेरी गुड, गुड बच्चा। मम्मा को लग गई, सीधे बैठो। ओके गाइस, तो शाम को उनसे बात करते हैं, नींद आ रही है उनको, सो जाओ। ये रहा, ये मैंने एक्टिंग की, ठीक है? मुझे ऐसे ही मिला था। मैं इसके लिए सच में बहुत दुखी थी। मम्मी ने बोला जाके ढूंढो, मिल जाएगा, और मुझे मिल गया। चलो अच्छा है, मेरा मुंह बना हुआ था। सो गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे मेरा नोज पिन गिरा, और मैं रवीना को लेके आई हूँ ढूंढने, और घर चल के आप लोगों को बताती हूँ कैसे गिरा था, क्या हुआ था और कैसे मिला। सो गाइस, फाइनली मेरा नोज पिन मिल गया, नोज रिंग। मैं इसी के लिए इतना परेशान थी। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये है जैसा जो आप लोग देख रहे हो ना, मैं हमेशा कब से पहनी हुई हूँ। देखो सो उठ के कैसे लग रही हूँ, कुछ ज़्यादा नेचुरल आप लोग मुझे देख लेते हो, और इसके मैचिंग भी है ये। सो अभी मैं घर चलती हूँ, फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ कि मैं दोबारा क्यों आई थी और किसकी वजह से मिला ये, किसने मतलब ये सच में बता रही हूँ किसकी वजह से मिला है, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। और ये इसको नहीं दिखता पता है, चलो झाड़ वाड़ू लग गया था, चलो मैं घर पर चल के बात करती हूँ। ये देखो आपको क्या लगा? वही था जहाँ पे लगा था। हाँ, खुश? हाँ, सोना खोना नहीं चाहिए ना यार, उस गहने से ज्यादा वो मेरे को इम्पोर्टेंट, या उसकी उससे कि सोना खोना। हाँ, वो साफ़ ब्लड हो रहा था। हा? सोना खोना नहीं चाहिए। हाँ, मम्मी ने भी यही बोला। अब मैं जा रही हूँ अपनी गाइस से बात करने, ठीक है? आप जल्दी से तैयार हो। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर ब्राइट स्किन के लिए। आप लोग हमेशा बोलते हो ना, तो कमेंट करते रहते हो कि दी थोड़ा सा फेस पे ग्लो है, इसके लिए आप हमें कोई क्रीम बताओ। तो आज मैं लेके आई हूँ मामा अर्थ का उपटन नाइट क्रीम और मामा अर्थ का उपटन डे क्रीम, जो डे क्रीम है विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन फॉर स्किन ब्राइटनिंग, और ये 30 SPF के साथ आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मामा अर्थ जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, और उसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं,
उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं होता है। लाइक इस पे लिखा हुआ भी है, ये पैराबेन एंड सिलिकॉन से फ्री होता है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होता है। आपका स्किन किसी भी टाइप का है उस स्किन को ये सूट करेगा। आपको ये मिल जाएगा जो डे क्रीम है ये 599 रुपये का। सो अभी मैं अपने फेस पे इसे यूज करूँगी। आप देख सकते हैं मेरा फेस जो है थोड़ा ग्लो कर रहा है। तो गाइज एक बात मैं आप लोग बता दूं कि कोई भी क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, आप बस यूज करते हो दो चार बार और उसे कहते हो कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उसे कंटिन्यू यूज करोगे तो जरूर रिजल्ट देगा। जैसे कि मामाअर्थ का ये उपटन डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, आप इसे 2 से 3 महीने लगातार यूज कीजिए और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। सेकेंड जो है अब हम उसकी बात कर लेते हैं, वो है मामाअर्थ का उपटन नाइट क्रीम विद टर्मेरिक एंड सैफ्रन। ठीक है गाइज, तो ये भी है फॉर स्किन ब्राइटनिंग। तो इसे लेकिन आपको नाइट में लगाना है। अभी मैं इसे यूज नहीं करूँ क्योंकि मैंने अभी डे क्रीम यूज़ किया, मैं इसे नाइट में सोने के टाइम पे यूज करती हूँ। बट मैं इसका टेक्सचर जो है वो आपको दिखा दूंगी। ये भी पैराबेन सिलिकॉन से फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, ऑल स्किन टाइप को ये सूट करता है। सो गाइज इसका जो नेट कंटेंट है वो है 50 ग्राम और इसका भी रेट जो है 599 रुपये है। इन दोनों क्रीम में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी। गाइस मामाअर्थ जो है एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इनका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही साथ ये आपको मामाअर्थ के वेबसाइट से भी मिल जाएगा। मामाअर्थ ने अपना एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपको अमेजन, नाइका और पर्पल पर भी मिल जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर कूपन कोड आपको दिख रहा है वो Kamini2021, तो आप उसे यूज करके और इसमें 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। गाइज मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि हम जब भी मामाअर्थ के वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को एक पेड़ के साथ लिंक करते हैं, मींस वो एक पेड़ लगाते हैं और उसका एग्जैक्ट जो लोकेशन है, पिक्चर है, वो हमें सेंड करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट में पेड़ लगाने में हम अपनी सहयोग दे देते हैं। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ नहाने, बट नहाने से पहले मैंने सोचा अपनी खुशी शेयर कर दूँ, बता दूँ आपको कि बात क्या हुई थी, कैसे हुई थी। और ये ब्लॉग जो है मैं नेक्स्ट डे इसीलिए शेयर करूँ क्योंकि कल जो है मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने ब्लॉग कल शूट किया है उसको ही क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आज कुछ और टॉपिक पे कंटिन्यू, वही जो टॉपिक नया बन गया। ठीक है, तो ये धनु जी जो है यही बताएंगे, ठीक है, कि हुआ क्या था। ठीक है बाबू, आप बताओ कल क्या हुआ था, जब मैं आपको पार्क में से घुमा के वापस लेके आ रही थी तब क्या हुआ था बताओ। आपको नौमिका गिर गया। कैसे गिर गया था मेरा नौमिका? देखो बच्चे को याद है, मेरा बच्चा याद है आपका नौमिका गिर गया। आप पहले पीछे हो, इधर आओ। अच्छा आप बताओ, इधर आओ, अब बताओ कैसे गिर गया था। मैंने जो सहते तो क्या कर रहे थे, तो धागा चुस ना, इन्होंने ना एक धागा ना मुंह में ऐसे ले रखा था, फिर मैंने उसे लेके और ऐसे किया कि मैंने फेंक दिया, तो ये गुस्सा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यहाँ ठंड लग रही है, हवा चल रही है बाहर, चाहिए। मैंने बोला नहीं है। ठीक है, तो क्या किया ना, ऐसे मैंने किया तो इन्होंने ना मुझे ऐसे किया पैर पे, और मैं तब तक ना वो धागा उठाने के लिए ऐसे झुकी थी, बस वो आके इनका हाथ मेरे गलती से इस पे लग गया, नोज पे। मुझे ही पता चला नोज पे लगा, मैं उस टाइम अपनी एक सिस्टर से बात कर रही थी, कज़न से, तो मैंने उसको बोला कि अरे मुंह पे मार दिया ऐसे। उसने बोला कि बच्चा है वो, कुछ वो लग गया, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बोलने लग गए। मैंने बोला ठीक है, मैं इसकी बातें करती करते घर पे आ गई। जैसे अपने घर में अंदर आने वाले थे सीढ़ी के पास, एकदम से मेरा हाथ गया ऐसे, तो मैंने फिर हाथ हटा लिया, मैंने समझ नहीं आया मैं बात करती, फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि मुझे खाली सा लगा, जा मेरा नोज रिंग कहाँ गया। अब मैं सोची मेरा नोज रिंग है, अब मैं क्या करूँ, तो मुझे लगा कि आप बताओ वहीं पे हो, मैंने स्टॉल लिया हुआ था और उस टाइम मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी कि कैमरा भी मान लो कि मैंने कहाँ ऑन किया तो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो इस बात का भी अंदाज़ा लग जाए, क्योंकि आजकल तो वीडियो से भी पता चल जाता कि हाँ यहाँ तक मैंने शूट किया था ना, यहाँ तक था, यहाँ नहीं है तो यहाँ होगा, ये आइडिया लग जाए। अब मैं क्या करूँ, मैं उससे बात ही कर रही थी तो उसने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरा नोज रिंग गिर गया जो मैं पहनी थी। हाँ मैं आजकल देख रही थी स्टेटस वगैरह पर, तूने एक नोज रिंग पहना हुआ था। मैंने बोला हाँ, तो कह रही है कि कहीं वहाँ तो नहीं गिर गया जहाँ बाबू ने हाथ मारा था। तब मुझे याद है कि हाँ वहीं पे गिरा होगा, फिर मैं गई वहाँ पे बाबू को लेके, रास्ते में ढूंढती हुई गई, क्या पता वहाँ पे खुल गया हो और रास्ते में गिर गया हो। और फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर पार्क में गिरा होगा तब तो कभी नहीं मिलेगा, तो मैं गई और वहाँ पे मैंने ढूंढा, नहीं मिला।
पूरा पूरी रोड देखती हुई गई, वहाँ पे ढूंढने नहीं मिला, वापस आई। फिर मैंने अपने पति देव जी को बताया कि वो नोज रिंग खो गया, तो थोड़ा सा गुस्सा हुआ। वो इसलिए गुस्सा नहीं हुआ, मुझे भी इसलिए बुरा नहीं लग रहा था कि नोज रिंग खो गया, इसलिए कि सब कहते हैं ना इसे कि जो सोना होता है ना उसका खोना अच्छा नहीं होता है, मतलब कि शुभ नहीं होता सोना का खोना। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना अंदर से थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। पतिदेव जी इस वजह से गुस्सा थे कि सोना का खोना अच्छा नहीं होता, पता नहीं क्या ऐसे लोग सब मानते हैं कि सोना का खोना अच्छा नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, और मैं अगर दुखी थी ना तो मैं किसी और बात से भी और थी दुखी, वो भी बताती हूँ अभी आपको। तो क्या हुआ ना कि उन्होंने बोला ठीक है अब तो खो गया ना, अब क्या करूँ। मैंने कुछ नहीं, तो मैं ऐसी बैठ के जब भी फ़ोन चला रही थी, उन्होंने एक बार देखा, फिर फ़ोन रील डाल रखी जो मैंने कि नोज रिंग कितना अच्छा लग रहा था ना, खो दिया, चलो कोई नहीं चल के दूसरा ले आएंगे। मैंने बोला ठीक है ले आएंगे। मैंने बोला वैसे भी मैंने थोड़ी दिन के लिए ऐसे ही पहना था, सब कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी दिन के लिए पहन लेती हूँ, शायद इसीलिए खो गया। कह रहे हाँ नज़र लग गया ना, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ। फिर क्या हुआ ना कि फिर रात जब हुई, खाना वाना हमने खा लिया, फिर उन्होंने बोला कि ध्यान है कहाँ गिरा था। मैंने उनको बोला कि हाँ मुझे ध्यान तो नहीं, अगर पार्क में गिरा होगा तो पता नहीं, बट अगर बाबू ने जहाँ पे हाथ मारा था अगर वहाँ गिरा होगा तो वो पता है मुझे वो जगह। तो कह रहे चलो जब वहाँ गए, आपका वहीं पे बैठा रोड पे। फिर मैं जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे कह, इनके ना गर्दन में तकिया से उधर सर हो गया है, आपके नोज में का आ गया, हो गया का खो, आपको याद नहीं है? नहीं नोज में आप याद है जाई हो क्या है वो का याद है इनको। फिर जब गए मेरे साथ तो इनके नेक में ना पीछे गर्दन में दर्द हो रहा है, वो तकिए से इधर उधर हो गया, तो इस झुकने में भी दर्द। वहाँ पे क्या कह रहे कि आपको पक्का याद है कि यहीं पे गया। मैंने बोला कि मैंने कब बोला कि मुझे पक्का याद है कि यहीं पे गिरा हुआ, मैंने तो बस यहाँ पे मैं बता रही हूँ बाबू ने मारा था, बाकी पार्क वार्क में पहले से गिरा हो या फिर घर पे कहीं गिरा हो तो मुझे नहीं पता, उससे मैं ऐसे बोल रहा। तो फिर चलो, तो फिर क्या करने आई? मैंने बोला अजीब बात है। मैंने बोला चलो, वैसे ना वो इसलिए गए थे ना क्योंकि कोई भी खोया हुआ सामान हो ना घर में कहीं भी इधर उधर रखा हो उनको मिल जाता है, मैंने सोचा वहाँ पर मिल जाएगा। फिर घर में अपना सोई, रात भर सुबह उठी, फिर मैंने बोला ना मम्मी से, मम्मी से कल बताऊंगी खो गया, तो कह रहे कि नहीं नहीं आप क्यों बताओगे, मैं अपने ढंग से बताऊंगा, मतलब थोड़ा वैसे बताता ना कि मुझे डांट पड़ जाए। फिर मम्मी का सुबह सुबह फ़ोन आ गया टिकट विकट के लिए। मैंने ही बताया, वो बाथरूम में गए उनके ही फ़ोन पे आया था, मैंने ही बता दिया मम्मी देखो ऐसे ऐसे हो गया। तो मम्मी ना थोड़ा सा अपसेट हुई, उन्होंने बोला ना कि वो खोने का कोई वो नहीं है, लेकिन वो हो जाता है सोने का खोना अच्छा नहीं होता है। मैंने बोला मम्मी क्या करूँ गिर गया, काम करो ढूंढ, देखा था। मैंने बोला कि रात में नहीं दिखा था। मम्मी ने बोला सुबह क्यों नहीं गई? मैंने बोला कि अब जाऊंगी, मम्मी कह रही कि लेट हो गया है। मैंने बोला ठीक है, नहीं स्टोरी बहुत बड़ी हो गई ना, कोई नहीं हाँ झेल जाइएगा। मैं गई, फिर मम्मी ने बोला कि जाओ वहाँ पर देखना, अगर मिलता है रवीना को बुला लो और चले जाओ, और अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कुछ विधि विधान क्या करते हैं, कहते हैं कि कुछ दान किया जाता है। बाबू हट दर्द हो रहा है बेटा, अब मेरा बच्चा मम्मा को दर्द हो रहा है ना यहाँ पे ऐसे कर रहे। तो मम्मी ने बोला ना कि कुछ दान किया जाता है, आटा चावल गेहूँ वो चावल दाल और आलू रवीना को निकाल के दे देना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वहाँ पे गई और रवीना को लेके गई, तो वहाँ पे ना जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना वो झाड़ू लगा रहे थे, जो रोड झाड़ू पे लगाते, और मैंने देखा कि तो रवीना लग रहा झाड़ू लग गया, कह रही है कि हाँ यहाँ तो साफ लग रहा है। मैंने देखा आगे वो दो तीन लोग झाड़ू लगा रहे थे, मैंने कहा अब गया, मैंने चलो एक बार देख लेते, गए और जैसे ही देखे वो मिल गया। और उसके बाद जो हटो हटो बेटा, उसके बाद जो मैंने वो जो सीन दिखाया ना, मैंने बोला हुआ भी वो मेरी एक्टिंग थी कि मुझे ऐसे मिला, मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करें हाँ ये रहा ऐसे मिल गया मुझे, तो थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ चलो मिल गया। उसके साथ मेरे दुख होने का, सोने का खोना अच्छा नहीं होता, इससे भी बड़ी बात थी मेरे लिए कि जब वो जो नाक का नो रोज रिंग था ना मुझे दिया गया था, वो मुझे बहुत ही मन से दिया गया था, इसलिए मुझे उससे कुछ मेमोरी जुड़ी हुई थी। मैं शादी कर गई थी उसके अगले दिन, तो वो चढ़ने नहीं गया था, वो मतलब छोटा सा ऐसे ही खरीद कर रखा था कि शायद मन होगा मम्मी वगैरह का कि मैं नोज रिंग पहनूँ या कुछ, तो वो ला के रखा हुआ था। तो मुझे ना वो अगले दिन दिया गया था कि ये पहन सकते हो तो पहन लो, मैंने ना वो पहन रखा हुआ था जो पिन खील होता है जो क्या होता है नाक का वो, तो फिर मैंने चेंज करके वो पहना था। और कुछ दिन तक शादी तक के कुछ दिन 4-5 महीने तक ऐसे पहन ही रही हुई थी। तो एक बात तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं
कि मैंने जब तक मम्मी को नहीं बताया था वो नहीं मिला होती, मैंने नोट किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आज सुबह ही जैसे मैंने मम्मी को ये बात बताई वो मुझे मिल गया, मुझे इस चीज़ को बहुत खुशी हुई। क्योंकि शुरू से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ना क्या करूँगी कि जैसे कि मेरा ना जिसके हाथ कट गया तो मैं या पैर कट गया या चोट लग गई कहीं, तो अगर मैं घर वालों से छुपा लूँगी तो वो बहुत बड़ा जख्म घाव ऐसे हो जाता था। और अगर मैं बता दूँ ना ये कट गया, ये इससे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो वो मुझे कुछ नहीं होता था, बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो ये चीज़ ना, ये लॉजिक मैंने शुरू से अपनाया कि अगर मैं मेरे साथ कुछ भी और अगर मैं बता देती हूँ ना तो मतलब कि वो वैसा नहीं होता। और कुछ नहीं, ये बताना था। और गाइज हाँ, अभी तक आपने सपोर्ट किया मुझे, मतलब उस चीज़ की बहुत खुशी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट ब्लॉग जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि वो मोस्ट रिक्वेस्ट ब्लॉग है कौन सा, जो मेरे पति देव जी के रिलेटेड है, जो आज तक आप लोग पूछते आ रहे हो, वो मुझे अब मजबूरन आप लोगों को बताना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, ये फैमिली हो, कितने दिनों तक कोई बात छुपा सकते हैं, मतलब कि अब शायद मैं अब ये ज़्यादा दिन तक ये बात नहीं छुपा सकती, मुझे छुपाना भी नहीं है आप लोगों से। दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।